आपको पता है कि इंदौर में एक ऐसा भी शख्स है जो यह चाहता है कि विजयादशमी यानी दशहरे के दिन रावण दहन ना किया जाए। यह मांग रखने वाले शख्स खुद रावण के परम भक्त हैं। इनका पूरा नाम महेश गौहर है, जिनका पूरा परिवार भी रावण भक्त है। बता दें कि महेश गौहर वही शख्स है जिन्होंने इंदौर के परदेसीपुरा इलाके में रावण का मंदिर बना रखा है, साथ ही सुबह शाम रावण की आरती करते हैं। महेश गौहर रावण को अपना आराध्य मानते हैं। गौहर बताते हैं कि हमने हाई कोर्ट में एडवोकेट हरीश शर्मा के माध्यम से पिटीशन दायर किए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि रावण की प्रतिमा को ना जलाया जाए। महेश बताते हैं कि लगभग 10 वर्षों से हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। महेश का कहना है कि वे जिला कलेक्टर, महापौर, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से भी इस बाबत मांग कर चुके हैं। दरअसल महेश 1965 से रावण के अनुयायी हैं और रावण के परम भक्त हैं। रावण की पूजा करने लगे। हमने कोर्ट में रिट पिटीशन भी, वकील साहब हमारे जो हरीश शर्मा जी हाई कोर्ट के एडवोकेट है, उनके माध्यम से पिटीशन लगा दिए और 10 साल हो गए। तारीख पढ़ते जा रही है। हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय, माननीय नगर निगम के महापौर महोदय और माननीय कमिश्नर साहब को भी अनुरोध किया, विनय किया। भैया अरे धीरे धीरे मना करते हैं। बताएं, मैंने महापौर माननीय जो नगर निगम के महापौर साहब हैं पुष्यपुत्र भार्गव, उनसे भी कल विजिट करी थी। उनको कहा था कि आपने एक दिन ये तय किया कि इंदौर में कार नहीं चलेगी, नो कार डे, और उससे ये फायदा हुआ कि पर्यावरण जो दूषित होने वाला वो बचा। तो मैंने कहा जब पूरे इंदौर शहर में सैकड़ों की तादाद में रावण के पुतले जलाए जाते हैं, उनमें पटाखे छोड़े जाते हैं, घास फूस जला जाता है, उससे तमाम सारा पर्यावरण दूषित होगा।